कब्जा करने वाले धीरेन्द्र जेवर जी और यहाँ पर कमिश्नर पुलिस भी है, हरिचंद भाटी भी है, महेश गुप्ता जो महानगर के अध्यक्ष है, मनोज गुप्ता सर, आप एसीपी हैं कि क्या है? एसीपी एडिशनल कमिश्नर लव कुमार जी, नरेंद्र जी आप हमारे विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री भी हैं, जिन्होंने अभी हम सबको आगाह भी किया कोरोना के बारे में, मगर आप लोग कोई चिंता नहीं कर रहे। जितनी बात हमने कहा आप लोग में से बहुत कम लोग चिंता कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए कि महिलाएं तो कम से कम चिंता करते हैं क्योंकि उनका मेकअप खराब हो जाएगा। आप कृपया अपने चेहरे पर जरूर मास्क लगाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बात तो मैं यहाँ बैठ के डॉक्टर चौहान से बात कर रहा था तो ये पता लगा कि डॉक्टर महेश शर्मा जी 1982 में यहाँ पर आए थे नोएडा में, उन्होंने अपना क्लिनिक स्थापित किया, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद 1986 में डॉक्टर चौहान आए तो उन्होंने भी एक छोटा सा शुरू करके अपने आप को बढ़ाया। और मैं बिजनेस करता था तो मैं नवासी में आके मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं विधायक बन गया। और आपके परिवार में भी मैंने पूछा था कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपके लड़के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपकी बेटी डर्मेटोलॉजिस्ट है, जैसे डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि सभी लोग का चेहरा तो बहुत सुंदर आप कहते हैं। और एक चीज़ बहुत आपने अच्छा कि आपके श्रीमती जी वो जियोलॉजिस्ट है, आप जियोलॉजिस्ट तो बिल्कुल उस समय का जब आपने टॉपर में जियोलॉजी किया था तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग उस फील्ड में जाते थे, तो आप उस फील्ड में गए भी नहीं मगर आप इधर ही आ गए अपने हॉस्पिटल देखने के लिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण फील्ड है जियोलॉजी। आप सब लोग जो जानते होंगे जियोलॉजी के बारे में, ये तो एक प्रकार का मिनरल्स या खनन से संबंधित है जो बता सकता है हमको कि कितना ऑयल कहाँ है या कितने मिनरल्स कहाँ हैं या कितना गोल्ड कहाँ है, सब चीज़ उसके अंदर आता है। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है मगर आपने अपने आप को अलग रखा। और मैं ज़रूर बधाई दूंगा डॉक्टर चौहान को कि इस पूरे परिवार में इन्होंने अपना दामाद तो अच्छा चुना ही है मगर वो वकील के रूप में चुना आपने, ताकि कोई भी लिटिगेशन होगा तो उनका दामाद वहाँ कराओ के उसको सब देखेगा। ये बहुत स्ट्रेटेजिक आपने अलायंस किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ इसके बारे में। तो अब मुझे बुरा भी लग रहा है कि सभी लोग ने जो कहा कि साहब मंत्री जी को 4 बजे निकलना है, मंत्री 4 बजे निकलना है, 4 से ऊपर ही हो गया, मेरा नंबर लास्ट में आया और कार्यक्रम भी ज़रा ख़राब हो जा रहा है क्योंकि अब समय नहीं है। जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए बनाया उसमें हम सबको पालन करना पड़ता है। तो जो कम शब्दों में मैं बोल पाऊँगा कि एक तो आपका हॉस्पिटल तो खैर बहुत ही अच्छा है, 100 बेड का हॉस्पिटल है जिसको आप आगे चल के एक्सपैंड भी करेंगे, सुपर स्पेशलिटी के रूप में आप इसको कई विशेषज्ञता में आप इसको विकसित भी करेंगे और कर भी रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि जैसे डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि अभी 70% आज भी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल आज पूरे समाज को मेंटेन करते हैं, उनका देखभाल करते हैं और 30% में हमारे सरकारी सेवाएं हैं। स्वाभाविक है कि सरकारी सेवा इतना बड़ा इतना नहीं देख पाती है, तो हम धीरे धीरे करके अपनी सेवाएं को बढ़ाते हैं और हमारा सेवा जो होता है वो नॉर्मली 60% पॉपुलेशन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है उत्तर प्रदेश का, उनको हम केटर करते हैं। तो इसलिए फ्री सर्विस देना पड़ता है और फ्री सर्विस के साथ हर प्रकार का सुविधा जो भी हम सुलभ कर पाते हैं उसको हम प्रयास करते हैं कि उनसे, और हमारे एक बहुत बड़ा डॉक्टर्स का फौज है, उन डॉक्टर्स के फौज से हम उस तरह का चिकित्सा उपचार उन मरीजों के लिए हम प्रयास करते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका भी है हमारे समाज में जो मिडिल क्लास और उसके ऊपर के लोग हैं जो अच्छी सेवाएँ अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के हॉस्पिटल भी बनना जरूरी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका ये हॉस्पिटल और आपके इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपने खोले और कौशल विकास के आप बता रहे थे कि काफ़ी बड़ी संख्या में आपने विभिन्न जनपदों में कौशल विकास के केंद्र आप चला रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत, जिसके कारण से बहुत सारे अच्छे लड़के निकल के अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में अपना लग जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा आपके तरफ से एक समाज सेवा भी हो रहा है और आपके ये सब केंद्र और हॉस्पिटल के माध्यम से आप बहुत सारे लोग को फील कर रहे हैं। और जैसे अभी हमारे प्रधानाचार्य जी तेजपाल जी ने कहा भी था कि भाई ये हॉस्पिटल इतना चले इसका नाम बढ़े,
कि आगरा से आ जाए लोग तो आगरा से तो दो लोग मैं पहचान रहा हूँ, अलीगढ़ से भी आ गए यहाँ पर ये भी बैठे हुए हैं, और बाकी पूरे प्रदेश से और दिल्ली से आ जाए तो और अच्छी बात है, सभी लोग आ जाए, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे। परंतु मैं तो आप लोग से कह रहा हूँ कि डॉक्टर से कितना जितना ज्यादा कम संपर्क आप रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये मैं आपका हॉस्पिटल को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कोरोना से हम लोगों ने एक चीज सीखा है, ये वैश्विक महामारी कोरोना ने हम सबको लॉकडाउन के अंदर अपने घर में कैद कर दिया। अब घर में चाहे वो मिडिल क्लास का हो या बहुत संपन्न व्यक्ति के परिवार हो या गरीब आदमी हो, जो शहरों में रहते थे लोग और उनके बच्चे जिनका एक आदत हो गया था कि हमको हैमबर्गर खाना है, हमको पिज्ज़ा खाना है, हमको बाहर के खाना खा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे परिवार के लोग उनको बहुत आगे देते भी थे, वो जब बंद हो गया तो एक महीना डेढ़ महीना घर का खाना खाना पड़ा। फिर वो रेडियो में और टेलीविज़न में बार बार ये प्रचार भी आता था हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी कि भाई आप थोड़ा सा योगा भी करिए, थोड़ा आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी खाइए, और हम सब लोग ने इस तरह का प्रयोग भी किया अपने अपने परिवार के अंदर। और जब ये देखा गया कि लोग अपना योग करने शुरू कर दिए, विभिन्न प्रकार के ऐप पर जब वो आपके एक्सरसाइज के बहुत सारे ऐप्स आने लगे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ने इस तरह का कर लिया। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, योग करिए। मैं नहीं कह सकता कि आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे तो फिर आपके पास तो कोई आएगा ही नहीं। तो आयुर्वेदिक दवाई जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्टर महेश शर्मा जी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छे दवाइयों का सप्लाई आयुर्वेदिक का आज हम लोग के सभी सेंटर पर, हमारे गवर्नमेंट सेंटर पर। और क्योंकि मैंने देखा था कि उत्तर प्रदेश में कम से कम जिनको करोना हुआ था, मुझे भी करोना हुआ था, जिनको करोना हुआ था एक हफ्ते के बाद आपको एक पैकेट मिलता था, उसमें तमाम विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक दवाई का सेवन करने के लिए वो आपका आधार कार्ड भी लेता था, पूरा रजिस्ट्रेशन करता था, और वो आके हमको दे गया था। उसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ थी जिससे आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपका रोग प्रतिरोग क्षमता को बढ़ाता है। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो बाबा रामदेव ने जो कोरोना दिया था, क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है, अन्यथा बाकी सब दवाइयाँ तो बहुत अच्छी तरह चल रहा था। तो हम जितना अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे, मनोयोग से हम योग करेंगे, ये सब चीज़ें हम थोड़ा अपना समय निकाल के देंगे तो कम ही कम आपको जाना पड़ेगा। मगर ये तो मानव शरीर है, एक अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, कहीं ना कहीं कुछ खराबी होगा तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। प्रयास ये होना चाहिए, जैसे मुझे लगता है कि हमारे एडिशनल सीपी नव कुमार जी ये काफ़ी मैंने एक्टिव रहते हैं, योगा होगा हमने देखा था एक बार बहुत साल पहले ये अपना करते थे। तो ऐसे लोग हम सब लोग को थोड़ा सा अपना बॉडी को ठीक रखना चाहिए। बाकी तो मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल अच्छा चले मेरी बधाई है। तो मैं चाहूँगा कि आप जब जनता के बीच में आके सेवा कर रहे हैं, आपका पूरा फैमिली है, तो अच्छी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जब आप देंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और जैसे आप लोग बता रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में कम यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका अच्छा चलेगा। अभी कोरोना में भी आपने काफ़ी काम किया, तो अच्छा वैक्सीनेशन में भी अभी आप कर रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, अच्छा उठवा लेंगे, वैक्सीनेशन भी आप कर रहे हैं। और जैसे हमारे आदरणीय विधान परिषद के सदस्य नरेंद्र जी ने हमको आगाह भी किया, हम लोग इसमें सचेत भी है, डे टू डे हम रिपोर्टिंग देखते हैं। 3 तारीख में नरेंद्र जी हमारा 77 केसेस थे पूरे प्रदेश में, आज हमारा आज के दिन 321 से ऊपर हो गया है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये हम मानते हैं। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम सभी राज्यों के साथ हो चुका है, जो भी सुझाव देने थे, जिस तरह के हमको पाबंदी करना है, अभी तो हम यूपी में नहीं करेंगे, बट जिस तरह से हमने अभियान छेड़ा था और एक बहुत कारगर प्रबंधन हमने तय किया था और इसको लागू किया था, उसी प्रबंधन के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश पहले जैसे हमारे डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर हम फिर उसको नियंत्रण करेंगे। हमारे सारे सर्विसेज अच्छे चल रहे हैं, हमारा वैक्सीनेशन भी अच्छा चल रहा है, और वैक्सीनेशन के साथ तो हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य के कार्यक्रम भी साथ साथ चलते हैं। कोरोना हो या ना हो, हम चाहे टीबी का भी खोज करते हैं, हम दस्तक अभियान में जैपनीज इंसेफ्लेटर का भी करते हैं, हम फाइलेरिया का भी करते हैं, जो भी बीमारी है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इस सब के मलेरिया के सब के कार्यक्रम हम साथ साथ कोरोना के साथ हम करते गए। हमारे डॉक्टर 24 घंटा काम किए, और डॉक्टर और पैरामेडिकल और उनके स्टाफ, नीचे के
नर्स है या पैरामेडिकल है या वार्ड बॉय है, इस कोरोना की लड़ाई में हर एक आदमी का योगदान और उसके साथ जो हमारा गवर्नमेंट का जो प्रशासनिक ढांचा है वो साथ मिलके बिल्कुल कंधे से कंधे मिलके बिना किसी रोक के हम लोग सब ने इसको साल भर के अंदर एकदम न्यूनतम लेवल पर हम ले आए थे। परंतु आज जिस तरह से हवा फैल रहा है महाराष्ट्र में, पंजाब में और कई प्रदेशों में, फिर तेजी से बढ़ गया और उसी दिल्ली का जो हवा हमारे पास आ रहा है हमारे यहाँ भी शहरों में शुरू हो गया। मगर मुझे लगता है कि अब हमें विश्वास है योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम पुनः इसको अपने प्रबंधन के माध्यम से इसको हम नियंत्रण करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ और मुझे लगता है कि मेरा 4 बजे से बहुत ज़्यादा आगे भी हो गया। मैं फिर क्षमा चाहता हूँ आपसे और डॉक्टर चौहान से मैं बहुत ही प्रार्थना करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मेरे वजह से आपका कार्यक्रम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मगर राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोग को इधर उधर जाना पड़ता है और कार्यक्रम बहुत लगे रहते हैं, तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए और आप सभी यहाँ पर उपस्थित होकर आपने डॉक्टर चौहान को काफ़ी अच्छा मैंने इनको भी समर्थन दिया है इनके साथ होके, और आप लोग सब पुराने मित्र हैं, सभी लोग एक दूसरे को जानते भी हैं। मैं प्रभारी मंत्री और प्रभारी मंत्री का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, प्रभारी मंत्री ये है कि संगठन और हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे प्रशासन के साथ एक तालमेल बैठाता है। तो अगर हमारे कमिश्नर पुलिस साहब अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग को बीच में चले जाना पड़ता है सबका बैठा के सबका एक करने के लिए। बाकी मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस सब सभी ओवरसी करते हैं, सुपरवाइजर की तरह हम लोग सब देखते हैं। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई इस हॉस्पिटल को, धन्यवाद।